हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं दिखाऊंगा एक साइकिल और उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि वो साइकिल हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो हाइपर साइकिल होती है रेसिंग वाली, तो वो साइकिल कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बावजूद भी क्या वो साइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये साइकिल मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को आप पूरा देखना। तो दोस्तों, ये है मोन्टेरा कंपनी की बाईसाइकिल जिसके बारे में कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये एक हाइपर रेसिंग साइकिल है। तो ये रेसिंग साइकिल हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि इन साइकिलों की जो कॉस्ट है थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि ये साइकिल मैक्सिमम 18,000 के प्राइस के साथ में आती है, 15,000, 18,000, 22,000। तो इस साइकिल की जो कॉस्ट थी वो थी 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये खर्च करने के बाद में क्या कमियां है इसके अंदर और कितनी बेहतर है, क्या क्या इसके फ्यूचर है, वो सब आपके इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले इसका पूरा लुकिंग वाइज हम देखते हैं। तो दोस्तों, 18,000 रुपये खर्च करने के बाद में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं इस साइकिल के अंदर, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है साइकिल को लेने के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये हाइपर साइकिल होती हैं, इम्पोर्टेड साइकिल होती हैं बाहर की, तो इनके पार्ट वगैरह जल्दी नहीं मिलते। तो एक एक चीज़ मैं डिटेल से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसकी हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये एल की से फिटेज हैंडल है, तो काफ़ी मजबूत होता है हैंडल में। दोस्तों, हम इसकी यहाँ पे हैंडल के अंदर आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्टिमाइज हेड ट्यूब्स, जो कि दोस्तों यहाँ पे बैरिंग लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। हैंडल के अंदर बैरिंग है, ना कि अदर साइकिलों की तरह इसमें कोई वैसा फीचर नहीं दिया हुआ, केवल बैरिंग दिया हुआ साइकिल के अंदर, जो कि इसको काफ़ी मजबूत बनाता है। दूसरी बात इसके हम कर लेते हैं इसकी शॉकर की। तो शॉकर भी दोस्तों उसका काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, हैंडल के हिसाब से तो काफ़ी साइकिल मजबूत है। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील की, जो कि इसके व्हील हैं एल्युमिनियम के। इन दोस्तों एल्युमिनियम व्हील के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। क्योंकि ये व्हील अगर आपका टेढ़ा हो जाए तो ये व्हील जल्दी सीधा नहीं होता, क्योंकि इसकी ये वाली जो पट्टी होती है बहुत जल्दी घिस जाती है। अगर ये पट्टी भी जल्दी घिस जाए तो भी व्हील जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बाकी इन साइकिलों को रेसिंग के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि काफ़ी हल्की होती है। फ्रेम की बात की जाए तो दोस्तों, इसका फ्रेम काफ़ी मजबूत होता है। स्टेनलेस स्टील का इसका फ्रेम होता है, इसकी वेल्डिंग भी काफ़ी मजबूत हैवी होती है। आगे में 3 गियर इसके अंदर दिए हुए हैं और सीट भी इसकी काफ़ी हैवी सीट है। काफ़ी मजबूत फ्रेम के साथ में साइकिल बनाई होती है दोस्तों। बीच का जो सेंटर एक्सल है वो भी इसके अंदर बैरिंग का है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी दोस्तों बैरिंग है पूरा, कहीं से लेकर कहीं तक ये नहीं है कि इसके अंदर कोई कमी इन्होंने छोड़ी हो। और इसका पैडल आप देख लो, कितना मजबूत हैवी पैडल दिया हुआ, और ये पूरा एल्युमिनियम का दिया हुआ है, पूरा एल्युमिनियम पैडल है, काफ़ी हैवी पैडल है, हैवी एक्सल इसके अंदर दिया हुआ है।
गियर का सिस्टम भी काफ़ी हैवी दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके पिछले वाले गियर की, जो कि इसके अंदर 7 गियर दिए हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है इसके अंदर। सबसे मेन जो दोस्तों इसके अंदर आपको मजबूती जो दिख रही होगी, ये आपको इसकी कैंची की दिख रही होगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी बनाई होती है, इसकी फिटिंग इतनी हैवी होती है, काफ़ी मोटी आपको दिख रही होगी। ब्रेक भी दोस्तों कंपनी के हैं इसके, जो भी जल्दी ख़राब होने वाले नहीं है, प्रोमैक्स के ब्रेक हैं इसके। तो अब इसके दोस्तों जो जो इसकी खूबियाँ थी वो मैंने आपको दिखा दी, अब इसके आपको मैं बताता हूँ कि इसके नुकसान क्या है साइकिल के, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इनके पार्ट नहीं मिलते, क्योंकि पिछले हिस्से में जो बॉल बेयरिंग है उनकी भी सेटिंग कुछ ऐसी है कि उनके पार्ट नहीं मिलते इसके। दूसरी सबसे मेन चीज़ ये जो सेंटर एक्सल है बीच का, जिसके अंदर एक्सल घूमता है, इसके भी दोस्तों जल्दी से पार्ट नहीं मिलते, क्योंकि अगर ये ख़राब होगा तो जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, ये भी कंपनी में कराना पड़ेगा। हालांकि आगे वाले पहिए के जो बॉल बेयरिंग है उनकी सेटिंग हो जाएगी। और सबसे मेन कमी जो दोस्तों इसके अंदर दी हुई है वो ये है कि इसकी जो कैंची की जो चौड़ाई वो कम है, क्योंकि अगर इसका व्हील हल्का सा भी टेढ़ा हो जाता है तो उसमें स्पेस नहीं है, ये दिख रहा होगा आपको, केवल थोड़ा थोड़ा स्पेस है इसके अंदर। तो दोस्तों सबसे मेन कमी ये है इसके अंदर। दूसरी कमी ये है दोस्तों कि एलुमिनियम के व्हील है आपके, ये अगर मुड़ गए तो ये सीधे भी होंगे। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों ये है कि ये पूरा सिस्टम बैरिंग है, ऑटोमेटिक बैरिंग है इसका, क्योंकि इसके पार्ट नहीं मिलेंगे आपको, सबसे मेन दिक्कत ये है। ये साइकिल अगर आपको पार्क आना जाना करना है तो ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग रूट पर लेकर चलोगे, जल्दी इसके पार्ट घिसेंगे तो आपको उसके पार्ट नहीं मिलेंगे, वो सबसे बड़ी दिक्कत है इन साइकिलों के अंदर। तो दोस्तों ये रेसिंग के हिसाब से तो ठीक बनाई है साइकिल, लेकिन सबसे जो मेन दिक्कत है इन साइकिलों की वो है क्योंकि इनके पार्ट नहीं मिलते। दूसरी बात कि व्हील एल्युमिनियम के दिए हुए हैं, जो कि हल्का सा भी व्हील अगर टेढ़ा हो जाएगा तो वो जल्दी सीधा नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे। बाकी तो दोस्तों ठीक है काम चलाने के, लेकिन क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर बाइक को हर जगह रोक रहे हैं, कार को हर जगह रोक रहे हैं, देखा जाए साइकिल ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक बार स्पीड दिखाता हूँ कि साइकिल कितने की स्पीड चल देती है, इसकी स्पीड टेस्ट करके भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ इसकी स्पीड टेस्ट करके कितनी स्पीड है इसकी। काफ़ी अच्छी स्पीड है दोस्तों, मैक्सिमम 50-45 की स्पीड पहुंच गई थी इसकी।